Hello everyone and welcome back to this course of Automobile Engineering for 6th Semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Arode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video on chapter number 1, Introduction to Automobile, and our today's topic is Aerodynamics. तो इस टॉपिक में हम लोग कार एरोडायनामिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, कहाँ पे जरूरी होता है और इसके फंक्शंस या सिग्निफिकेंस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग आउटकम क्या हो गए। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू एक्सप्लेन the need and importance of aerodynamics. तो aerodynamics की automobile में जरूरत क्या है, why it is so important कि इसके ऊपर हम लोग इतना focus कर रहे हैं। So aerodynamics की जरूरत क्या होती है, कैसे हम aerodynamics shape provide करते हैं और इसका vehicle के performance पर क्या effect पड़ता है वो हम लोग देखेंगे। और दूसरी चीज aerodynamics का ही part है, जब aerodynamics को हम design करते हैं तो that thing is known as streamlining of car body. तो car की body को streamline करने की जरूरत क्यों होती है, कैसे ये किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में इस video lecture में हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर के प्रोग्राम आउटकम और पीएसओ आउटकम क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर पीओ पीएसओ मैपिंग हम लोगों ने किया है, तो हम लोगों ने पीओ वन को यहाँ पर मैप किया है। पीओ वन जो हम लोग मैप कर रहे हैं वो है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज। यहाँ पर हम लोग बेसिक फ्लूइड डायनामिक्स का यूज करने वाले हैं। तो बेसिक कोर कोर्सेस है, कोर टॉपिक है, तो फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, इन सारा नॉलेज हमारा बढ़ने वाला है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर पीओ वन मैप किया है। उसके बाद आता है पीओ फोर, इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट एक्सपेरिमेंटेशन प्रैक्टिस, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। सो इसीलिए पीओ फोर भी यहाँ पर मैप किया हुआ है। उसके बाद दिस इज अ बेसिक ऑफ एरोडायनामिक्स। तो ये बेसिक चीजें हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो ये आपको फ्यूचर में कभी ना कभी काम में आ सकता है। सो इसीलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग पीओ सेवन को भी मैप किया हुआ है। एंड देन वी हैव मैप्ड पीएसओ टू जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। सो ऑटोमोबाइल को भी मेंटेन अगर कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सो इसीलिए पीएसओ टू भी मैप किया हुआ है। सो ये थी लर्निंग आउटकम और पीओ पीएसओ मैपिंग इस वीडियो लेक्चर के। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज एरोडायनामिक्स, क्या होता है एरोडायनामिक्स। अब जैसा कि यहाँ पे आपने देखा होगा एरोडायनामिक्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, दैट इज एयर एंड डायनामिक। एयर का मतलब तो हम सबको पता है फ्लो ऑफ एयर, और डायनामिक्स मतलब इसका फ्लो, एयर के फ्लो का या उसका डायनामिक्स, एयर के फ्लो में जो भी चेंजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ना इज नथिंग बट द एरोडायनामिक्स। बेसिकली एरोडायनामिक्स में हम लोग एयर का मोशन मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसका इफेक्ट हम लोग चेक करते हैं। सो एयर का जो डायनामिक्स है, जो इंटरैक्शन है विथ सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं, यानी एरोडायनामिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी इट इज बेसिकली द मोशन ऑफ एयर रिलेटेड विद द सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब जब भी आप व्हीकल चलाते हो तो फ्रंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर का थ्रस्ट आता है, मोशन ऑफ एयर आता है, जो आपके कार की बॉडी पे या किसी भी टाइप के व्हीकल की बॉडी के ऊपर से फ्लो होता है। और इनका जो इंटरैक्शन होता है उस इंटरैक्शन के बारे में पढ़ना ही एरोडायनामिक्स है। नाउ एरोडायनामिक्स इज द वे एयर मूव्स अराउंड थिंग्स। तो आपके व्हीकल के ऊपर एयर का फ्लो कैसे होना चाहिए ताकि उससे आपके व्हीकल का परफॉर्मेंस बढ़े, हमको क्या करना है, व्हीकल का परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है। तो उसके लिए ये जो एयर का फ्लो है, जो एयर का डायनामिक्स है, वो हमें डिसाइड करना है। हमें एरोडायनामिक्स का
एयर का जो फ्लो है वो इस तरह से पॉसिबल करना है, उसको इस तरह से फ्लो करना है कि उसका एडवर्स इफेक्ट ना पड़े आपके व्हीकल के परफॉर्मेंस पे। देन द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग एयर एयर एंड इंटरेक्शन बिटवीन द एयर एंड सॉलिड बॉडीज मूविंग थ्रू। तो एरोडायनेमिक्स क्या होता है? इट इज जस्ट ए स्टडी ऑफ एरोडायनेमिक्स, यानी एयर का फ्लो और उसका बॉडी के साथ इंटरेक्शन, इसी को स्टडी करना यानी एरोडायनेमिक्स होता है। नाउ व्हाई, व्हाट इज अवर पर्पस फॉर एरोडायनेमिक इन ऑटोमोबाइल? तो ऑटोमोबाइल में एरोडायनेमिक का पर्पस क्या होता है? तो सबसे पहला पर्पस है कि आपको व्हीकल का स्टेबिलिटी इंक्रीज कर है, टू इंप्रूव द स्टेबिलिटी। हमको क्या करना है, जो भी आपका व्हीकल है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाना है, यानी जो एयर फ्लो हो रही है व्हीकल के ऊपर वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करे। तो इसीलिए बॉडी को स्ट्रीम लाइनिंग करना जरूरी होता है, और जो शेप हम लोग प्रोवाइड करते हैं उन शेप्स को हम बोलते हैं एरोडायनामिक शेप। तो एरोडायनामिक शेप अगर आप व्हीकल को प्रोवाइड कर रहे हो, देन दैट थिंग इज नोन एज एरोडायनामिक्स। सो ये करते क्यों है? दिस इज डन टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस। ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, टू मिनिमाइज दी एयर रेजिस्टेंस जब भी व्हीकल मोशन में रहेगा। सो दिस इज अवर बेसिक रिक्वायरमेंट। हमारा काम क्या है कि ऐसे एरोडायनामिक शेप क्रिएट करना कि एयर रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाई वी नीड एरोडायनामिक्स इन व्हीकल। तो सबसे पहले गाड़ी में जरूरत क्या है, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल। तो एरोडायनामिक शेप प्रोवाइड करने का फायदा ये होता है कि आपके व्हीकल की स्टेबिलिटी बढ़ती है, उसके बाद स्पीड इंप्रूव होती है, स्पीड बढ़ने वाली है आपके व्हीकल की स्पीड। तो आप देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स व्हीकल होते हैं, स्पोर्ट्स कार होती है, उसका एरोडायनामिक शेप बहुत ज्यादा एरोडायनामिक शेप रहता है, तो इसीलिए उनकी स्पीड ज्यादा होती है। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी, आप कितना भी पावर जनरेट कर लो पर अगर आप एयर का फ्लो बराबर, एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं कम कर पा रहे हो तो आपके व्हीकल में उतनी ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगी। सो व्हीकल की स्पीड बढ़ाने के लिए, टॉप स्पीड को अगर आपको और बढ़ाना है तो एरोडायनामिक शेप प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। इट ऑल्सो इंक्रूज द फ्यूल इकोनॉमी। यहाँ पे देखिए फ्यूल की इकोनॉमी भी इम्प्रूव होती है, यानी फ्यूल का कंजम्पशन कम होता है बाय डूइंग दिस। एंड एट द सेम टाइम जब व्हीकल चलता है तो एयर की जो नॉइस होती है, आप एयर जब आपके व्हीकल के ऊपर से क्रॉस करती है तो उसकी नॉइस क्रिएट होती है, ये नॉइस भी कम करने में एरोडायनामिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द एरोडायनामिक्स। फॉर दिस फोर पर्पज वी नीड द एरोडायनामिक्स। ओके, सो आप परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हो, व्हीकल को स्टेबल करना चाहते हो, व्हीकल की स्पीड बढ़ाना है, फ्यूल इकोनॉमी बढ़ाना है, और तो और रिड्यूस एयर नॉइज, दिस इज द नीड फॉर एरोडायनामिक्स। आगे देखते हैं। नाउ जब कोई व्हीकल रास्ते पे चल रहा है तो उसके ऊपर थ्रस्ट आता है एयर का। ये जो एयर का थ्रस्ट आ रहा है, एयर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में आता है और वो व्हीकल की बॉडी के ऊपर फ्लो होता है। नाउ यहाँ पे सबसे पहला अलग अलग टाइप के फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट होते हैं। तो ये सबसे मेन जो फोर्स होता है वो ड्रैग फोर्स होता है। यहाँ पे आपने देखा है जब ये एयर यहाँ पर, यहाँ व्हीकल के साथ में इंटरेक्ट हो रही है तो ये क्या करेगी, व्हीकल को पीछे की तरफ धकेलेंगी, ड्रैग करने की कोशिश करेगी। उसके बाद ये एयर क्या होती है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कुछ एयर ऊपर आती है, कुछ एयर नीचे की ओर चले जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये जब एयर यहाँ से ऊपर फ्लो होती है तो ये व्हीकल को ऊपर उठाने की कोशिश करती है, दैट फोर्स इज नोन एज लिफ्ट। सो ये होता है एरोडायनामिक लिफ्ट। उसके बाद यहाँ पे ये जो व्हीकल आता है, यहाँ से ये ऊपर शेप इस तरह से प्रोवाइड किया जाना पड़ता है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करता है। उसके बाद फिर से लिफ्ट, एरोडायनामिक लिफ्ट यहाँ पर एक्ट होता है, और फिर जब ये यहाँ से व्हीकल
का एयर जो बाहर निकलता है तो फिर से यहाँ पर ड्रैग फोर्स आता है। सो बेसिकली देर आर टू या थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन लार्ज स्केल। एक बड़े पैमाने पे अगर देखें हम लोग तो मेनली जो एरोडायनामिक फोर्सेस है उनको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ड्रैग फोर्स और दूसरा होता है लिफ्ट एंड डाउन फोर्स। तो ये दो टाइप के फोर्सेस होते हैं जो एरोडायनामिकली व्हीकल के ऊपर एक्ट करते हैं, जिनको हमें मैनेज करना है। और इन फोर्स को अगर आपने अच्छी तरह से मैनेज कर लिया तो आपका व्हीकल का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो आगे देखते हैं कि ये फोर्सेस किस तरह से काम करते हैं। नाउ ऑन द फर्स्ट फोर्स एरोडायनामिक ड्रैग। ओके, तो एरोडायनामिक ड्रैग फोर्स जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो इट टेक्स सम एनर्जी टू मूव द कार थ्रू आउट द एयर। द एनर्जी यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स कॉल्ड ड्रैग। तो अब जब आप सामने फ्लो कर रहे हो, अब आप सामने बढ़ रहे हो, सामने चल रहे हो, तो एयर का फ्लो आता है ऑपोजिट डायरेक्शन में और वो आपके बॉडी के ऊपर टकराता है और वो क्या करता है, रेजिस्टेंस अप्लाई करता है आपके व्हीकल के ऊपर। आपने देखा होगा कि अगर बहुत तेज हवाएं चल रही है और वो हवाओं की ऑपोजिट डायरेक्शन में आप चलने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि हवा क्या करती है, आपको पीछे ढकेलने की कोशिश करती है। सेम थिंग हैपेंस विद द कार ऑल्सो। अब कार कितने भी स्पीड में चलते रहे, ज्यादा स्पीड में चले या कम स्पीड में चले, जब आगे से एयर का फ्लो आता है तो वो क्या करता है, आपके व्हीकल के ऊपर एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंड दैट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द ड्रैग फोर्स। तो एरोडायनामिक ड्रैग फोर्स क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस अप्लाइड ऑन द व्हीकल। नाउ ये ड्रैग फोर्स क्या होता है, ये बेसिकली तीन चीजों से मिलके बनता है। सबसे पहला तो ये फ्रंटल प्रेशर। फ्रंटल प्रेशर जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब आपका व्हीकल चल रहा है सामने की ओर तो ये एयर का फ्लो होता है। यहाँ से देखिए ग्रीन एयर का फ्लो आ रहा है, फिर यहाँ पे लो हो रहा है और फिर व्हीकल के ठीक सामने वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। क्योंकि आपका व्हीकल सामने जा रहा है तो वो हवा आगे आके यहाँ पे कॉम्प्रेस होते जा रही है और उसकी वजह से इस एरिया में आपको मैक्सिमम ड्रैग फोर्स देखने के लिए मिलेगा। और ये जो ड्रैग फोर्स होता है ये पहला कंपोनेंट होता है जिसे हम फ्रंटल प्रेशर कहते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, व्हीकल सामने बढ़ रहा है, सामने से एयर कंटिन्यूअसली आते जा रही है और उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है और ये व्हीकल को ड्रैग करता है, खींचने की कोशिश करता है। सो दैट फोर्स इज नोन एज ड्रैग फोर्स। तो ये पहला कंपोनेंट हो गया फ्रंटल प्रेशर का। ओके, देन द नेक्स्ट वन, जैसे ही ये व्हीकल आगे बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो ये एयर फोर्स है ये यहाँ पे आएगा और ये एयर का फ्लो इधर आता है और ये जब यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये एयर पॉकेट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक जगह है और ये दूसरी जगह है। अब क्या हो रहा है, एयर का फ्लो तो यहाँ से आ रहा है, इधर से निकल जा रहा है, तो इस जगह पर कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर और सिमिलरली जब एयर यहाँ से फ्लो हो जाती है तो ये यहाँ, तो ये दो जगह पे जो है वैक्यूम क्रिएट होता है और ये जो रियर वैक्यूम क्रिएट होता है दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट ई ड्रैग। तो ये भी क्या करता है, व्हीकल को ड्रैग करता है, पीछे की ओर खींचता है। सो दैट इज द सेकेंड कंपोनेंट फॉर ड्रैग फोर्स। तो ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं ड्रैग फोर्स के। एक और तीसरा कंपोनेंट होता है जो होता है बाउंड्री लेयर, इसको स्किन फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एयर जब भी कांटेक्ट में आएंगी आपके व्हीकल के कांटेक्ट में, यहाँ पे जो भी सरफेस है सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आएंगी, सो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ बाउंड्री लेयर, और जिसको हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन। तो ये जो स्किन फ्रिक्शन होता है दिस इज ऑल्सो अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वन फॉर द ड्रैग फोर्स। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी आप व्हीकल्स को देखोगे, कोई भी व्हीकल्स के ऊपर पेंट जो करते हैं हम लोग, इतनी स्मूथ फिनिश प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो स्किन फ्रिक्शन है वो कम से कम हो जाए। अगर आपने देखा होगा कि अगर आपका व्हीकल ऊपर से स्मूथ नहीं है, सरफेस फिनिश प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा, स्किन फ्रिक्शन बढ़ेगा और उसके वजह से ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगा। सो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड अ
प्रॉपर सरफेस फिनिश, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एरोडायनामिक। सो ये तीन कंपोनेंट होते हैं एरोडायनामिक ड्रैग फोर्स के। अगला जो फोर्स है वो है लिफ्ट एंड डाउन फोर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एयर यहाँ से ऊपर होती है तो ये एक तरह से ऊपर हो रही है, कुछ एयर नीचे जाती है और ये एयर क्या करती है, व्हीकल को ऊपर उठाने की कोशिश करती है। तो आपका व्हीकल यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करेगा, सो दिस फोर्स इज नोन एज लिफ्ट फोर्स। सिमिलरली ये यहाँ पर भी होता है क्योंकि ये एयर ऐसे ऊपर की ओर जाती है तो ये यहाँ पर भी लिफ्ट फोर्स क्रिएट करती है। तो इसीलिए व्हीकल के बॉडी को इस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाता है कि ये लिफ्ट फोर्स व्हीकल पे एक्ट करना नहीं चाहिए। तो बॉडी के शेप में क्या चेंज होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। तो ये होता है लिफ्ट फोर्स एंड द डाउन फोर्स। तो ये यहाँ से क्या होता है, ये व्हीकल को नीचे दबाने की कोशिश करता है। ये यहाँ जब नीचे दबाएगा तो इसके वजह से क्या होगा, आपके व्हीकल की स्टेबिलिटी अफेक्ट करती है। सो ये वाला फोर्स भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना हमें पड़ेगा। सो ये होता है एरोडायनामिक फोर्सेस। तो तीन फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, एरोडायनामिक ड्रैग और एरोडायनामिक लिफ्ट एंड डाउन फोर्स। तो मोस्टली हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे एरोडायनामिक लिफ्ट पे और एरोडायनामिक ड्रैग के ऊपर। नाउ व्हाट इज स्ट्रीम लाइनिंग? बेसिकली अगर बहुत आसान भाषा में एक लाइन में अगर आपको बताऊं तो स्ट्रीम लाइनिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एरोडायनामिक शेप टू द व्हीकल। यानी क्या कर रहे हैं हम लोग कि ये जो ड्रैग फोर्स, स्किन फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जो एयर रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, एयर रेजिस्टेंस के बेसिकली कंपोनेंट हम लोगों ने देखे कि ड्रैग फोर्स, स्किन फोर्स, स्किन फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स, फ्रंटल प्रेशर हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने लिफ्ट देखा। तो ये सारे क्या है, एयर रेजिस्टेंस के टाइप है। तो इन सारे फोर्सेस को रिड्यूस करना इज नथिंग बट द स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ एन व्हीकल। तो क्या होता है, स्ट्रीम लाइनिंग इज जनरली एम्ड टू रिड्यूस द एयर रेजिस्टेंस। देखिए क्या काम है, एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना है फॉर एयरप्लेन और कार। सो दिस इज द पर्पज ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग। तो रिड्यूसिंग एयर रेजिस्टेंस इंप्रूव्स फ्यूल इकोनॉमी, पोटेंशियल स्पीड एंड वेरियस अदर थिंग्स। तो एयर रेजिस्टेंस रिमूव रिड्यूस करने से हमारा फायदा क्या होगा कि व्हीकल का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, पोटेंशियल स्पीड बढ़ेगी एंड वेरियस अदर थिंग्स। सो बेसिकली स्ट्रीमलाइनिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एरोडायनामिक शेप। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने थी और ये सारी चीजें करते समय हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में ध्यान देते हैं, जैसे कि व्हीकल का लोड कितना है, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है, अपीयरेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, कंफर्ट पैसेंजर के लिए, व्हीकल का साइज, कॉस्ट, इंजन की कूलिंग, व्हीकल का परफॉर्मेंस, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं और तब जाके व्हीकल का स्ट्रीम लाइनिंग हम लोग करते हैं। सो आगे हम लोग देखते हैं कि स्ट्रीम लाइनिंग करने से क्या फायदा होता है और किस तरह से ये की जाती है। तो स्ट्रीम लाइनिंग के लिए सबसे पहले देखिए, एक पुराने व्हीकल का मॉडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये एक पुराना व्हीकल का मॉडल है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो व्हीकल है वो इस टाइप से डिजाइन किए होते थे, यानी डब्बे टाइप के व्हीकल डिजाइन होते थे। अब व्हीकल के ऊपर जब ये व्हीकल फ्रंट डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ से इसके ऊपर एयर का फोर्स आएगा और ये एयर का जो फोर्स आएगा उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ड्रैग होगा। ये फिर एयर यहाँ से ऊपर उठती थी और फिर यहाँ पे इधर आती थी, कुछ एयर यहाँ पर सामने से आती थी और ये क्या करेंगी, यहाँ पे लिफ्ट फोर्स, देखिए यहाँ पे लिफ्ट फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है, इधर लिफ्ट एक्ट हो रहा है, ये सामने ड्रैग आ रहा है और उसके बाद ये ऊपर जाती थी और यहाँ पे जाने की वजह से फिर से ये यहाँ पर ड्रैग फोर्स क्रिएट करती थी और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आता था, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम पॉकेट्स क्रिएट होंगे। यहाँ पर एक और चीज होती थी, टर्बुलेंस। क्या होगा, यहाँ पे टर्बुलेंस बढ़ेगा क्योंकि एयर बार बार यहीं पे घूमते रहेंगी तो क्या होगा, टर्बुलेंस होगा, एयर थिक होते जाएगी और वो और ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। सो पहले इस टाइप की व्हीकल बॉडी थी, इसको चेंज करके अभी देखिए क्या क्या किया गया। ये यहाँ पे देखिए फ्रंट में बम्पर लगाया है,
ये बम्पर लगाने से फायदा क्या हो रहा है कि ये जो एयर आती है यहाँ से, ये स्मूथली इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी ड्रैग फोर्स रिड्यूस हो जाता है, व्हीकल के नीचे यहाँ पे एयर नहीं जाती है, वो एयर क्या होती है यहाँ से पलट जाती है। सो ये जो बम्पर है इसका ये फायदा होता है कि ये ड्रैग फोर्स को रिड्यूस कर देते हैं। ड्रैग फोर्स को रिड्यूस करने के बाद साइड में भी हमने व्हीकल को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये हवा यहाँ से कट जाए, यहाँ से आगे फ्लो हो जाए। उसके बाद ये व्हीकल्स को यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हो रहा था, लिफ्ट आ रही थी, हमने यहाँ पे इस तरह से इसको डिजाइन किया है कि डाउन फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, लिफ्ट भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, एयर का जो फ्लो है उसको हम लोग अफेक्ट नहीं कर रहे हैं और सीधा जाने दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सीधा है, तो ये क्या होता है, लिफ्ट फोर्स क्रिएट करता है। यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, इसको थोड़ा सा नीचे की ओर दबा दिया, तो ये एयर यहाँ से आने के बाद इधर चले जाती है, तो ये ड्रैग फोर्स क्रिएट नहीं करती, साथ ही साथ लिफ्ट भी नहीं क्रिएट करती है, एयर स्मूथली यहाँ से बॉडी के ऊपर से आगे निकल जाती है। सो दिस इज दी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्ट्रीम लाइनिंग शेप। तो ये दो टाइप के आइडिया देखे हम लोगों ने। सो मॉडर्न व्हीकल में अभी अगर आप देखेंगे तो कितना चेंजेस हो गया है वो आपको दिखाई देगा। ये पुराना एक मॉडल है किसी कार का, तो यहाँ पे देखेंगे तो एयर का फ्लो देखिए किस तरह से हो रहा है, शार्प कॉर्नर्स है, और जब जब एयर का फ्लो होता है, शार्प टर्न्स अगर होते हैं तो उसकी वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होता है, ज़्यादा ड्रैग, ज़्यादा लिफ्ट का यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। पर ये वाला मॉडल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ एयर का फ्लो देखिए इस तरह से डिसाइड किया गया है कि दिस इज अ एरोडायनामिक शेप फॉर अ कार बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट एरोडायनामिक्स एंड स्ट्रीम लाइनिंग। नाउ दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, सिग्निफिकेंस ऑफ एरोडायनामिक बॉडी शेप। तो एरोडायनामिक बॉडी शेप प्रोवाइड करना, स्ट्रीम लाइनिंग प्रोवाइड करने का फायदा क्या होता है? तो सबसे पहला फायदा क्या है कि एयर ड्रैग फोर्स रिड्यूस हो जाता है। एयर ड्रैग फोर्स हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, एरोडायनामिक लिफ्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, यानी ये दोनों पॉइंट से। और एयर एडीज यानी टर्बुलेंस जो फॉर्म होता है वो भी यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये तीन पॉइंट को अगर आप ध्यान दो, या इसके बाद जो चौथा पॉइंट है क्रॉस विंड फोर्स एक्टिंग इन द लैटरल डायरेक्शन इज ऑल्सो मिनिमाइज्ड, ये चार पॉइंट को हमने डिटेल में लिखा है। एक बात में अगर बोला जाए जो हमने अभी भी डिस्कस किया है कई बार, तो इन चारों से फायदा क्या हो रहा है, वी आर रिड्यूसिंग द एयर रेजिस्टेंस। तो व्हीकल के ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था उसको इस तरह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एरोडायनामिक बॉडी शेप। उसके साथ ही साथ क्या होगा, व्हीकल की स्पीड बढ़ जाएंगी, ट्रैक्शन बढ़ता है, व्हीकल का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ता है, फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी मिलती है, आपके व्हीकल की टॉप स्पीड बढ़ जाती है। तो ये सारे इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है किसी भी एरोडायनामिक बॉडी शेप प्रोवाइड करने का। सो इन दिस वे वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। तो समरी क्या है इस वीडियो लेक्चर की, आप अभी क्या कर पाएंगे, यू कैन राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ एरोडायनामिक्स। तो एरोडायनामिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस को मिला के, नीड और सिग्निफिकेंस को मिलाकर आपको ये आंसर क्रिएट करना है। सो दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन, सो यू हैव टू राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एरोडायनामिक्स और स्ट्रीम लाइनिंग के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब द स्ट्रीम लाइनिंग, नोट्स में आपके स्ट्रीम लाइनिंग के बारे में लिखा हुआ है, डायग्राम यहाँ पर आपने देखे हुए है, तो ये दोनों को मिला के अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये आपके दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे फॉर वीडियो असाइनमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। देन दी पीओ पीएसओ मैपिंग, जैसे कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि आपका PO1 यानी बेसिक नॉलेज और डिसिप्लिन नॉलेज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो इसीलिए PO1 मैप किया है। प्रैक्टिस हम लोगों को करना है, सो इसीलिए PO4 मैप किया है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, इसलिए PO7 मैप किया था। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट, इसीलिए PSO2 यहाँ पर हम लोगों ने मैप किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरोडायनामिक्स ऑफ एन कार बॉडी। So in the next video lecture, we are going to learn about the alternative fuels used for automobile. So till then,
कीप लर्निंग, थैंक यू।